सो वरुण, एक बहुत ही अच्छा सा सफर हमने देखा, कैसा लगा आपको, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अलग था एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मज़ा आने वाला है। मैंने सोचा था कि मैं एक एडवेंचर रियलिटी शो कर चुका हूँ तो सिमिलर होगा, पर ये शो बहुत ज़्यादा अलग है। और सच्ची बता रहा हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, मोस्ट फेवरेट रियलिटी शो दैट आई हैव डन। आप ऑलरेडी इतना स्टंट्स कर चुके हैं, तो क्या ये डिफिकल्ट रहा, स्मूथ रहा, हाउ वाज इट? आई थिंक जो चीज़ें मैंने करी है अभी तक वो इज मोर ऑफ यूजिंग योर ब्रूट स्ट्रेंथ, अपनी पावर यूज़ करने का था। यहाँ पर आपको अपना एबिलिटीज और स्किल्स यूज करने पड़े थे। यू हैव टू यूज योर एंड्योरेंस, यू हैव टू यूज योर एजिलिटी, स्पीड, योर माइंड, एवरीथिंग। तो ये इट फेल्ट लाइक कि मैं एक हॉलीवुड के सेट पर आया हूँ और मैं वहाँ के स्टंट्स कर रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे थे एंड इतने बड़े स्केल पे मैंने कभी स्टंट करे नहीं है। सो इट जस्ट फेल्ट अमेजिंग एंड मुझे लगा कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ फिजिकली भी, पर बहुत चीज़ें ऐसी भी थी शो पे जो जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। सो अलग एक्सपीरियंस था। आपके अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन, सबसे कमाल के स्टंट्स किसने किए? मैं दो नाम लूँगा जिसने बहुत सही स्टंट्स किए, एक विशाल भाई ने और एक मैंने। हम दोनों ने बहुत सही स्टंट किए एंड आई एम टेलिंग यू फॉर अ फैक्ट कि आप दोनों जब भी हम दोनों को अगेंस्ट भी देखोगे ना तो मज़ा आने वाला है। So, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि आप कंपटीशन बने सभी के लिए? आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं बना? मैं कंपटीशन बना सबके लिए, पर मेरे लिए कंपटीशन आई थिंक से विशाल भाई थे, क्योंकि एक होता है एक पैशन, जुनून एक चीज़ को करने के लिए। आई थिंक जितना मेरे में है उतना विशाल भाई में भी है। दैट्स वाई अगर आप उनसे ये बात पूछोगे तो उनका कॉम्पिटिशन मैं था, मेरा कॉम्पिटिशन वो थे, बिकॉज वी हैड द सेम लेवल ऑफ मैडनेस फॉर एनी स्टंट। सो शुड वी एक्सपेक्ट कि आप दोनों में से कोई जीता है शो? वी शुड एक्सपेक्ट कि हमारी जर्नी, मैं जीतना तो बहुत दूर की बात है, अभी एपिसोड स्टार्ट होगा 17 जुलाई को 9:30 PM ऑन कलर्स। आप देखो, जर्नी फॉलो करो, इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। रोहित शेट्टी से किन किन को डांट पड़ी? रोहित सर से हम सबको कहीं ना कहीं डांट पड़ी है, बिकॉज हम सब कहीं ना कहीं गलतियाँ कर जाते हैं। हम लोग रियलाइज नहीं करते कि शो पे सेफ्टी कितना इम्पोर्टेंट है एंड हम लोग कभी कभी हड़बड़ी में, घाई में काफ़ी गलतियाँ कर जाते थे जो हमारे लिए शायद सेफ भी ना होती। तो रोहित सर हमको डांटते थे, बोलते थे ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, ऐसे मत करो, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करो। तो गलतियाँ करोगे तो डांट तो पड़ेगी एंड वी वो ओके विद इट, क्योंकि ही हैड ऑल द राइट टू डू इट। सो हमने देखा कि कई सारे लोग कह रहे थे कि वो फोबिया लेकर आए हैं वापस, ओवरकम नहीं कर पाए। व्हाट डिड यू डू? सो आई एम नॉट से कि मेरे फोबियाज खत्म हो गए। अगर आप आज ही मेरे हाथ पे सांप दे दोगे तो मैं डरूंगा उससे, बट इन दैट मोमेंट मैं शायद उस फोबिया को 5 मिनट के लिए ख़त्म कर पाया। पर वहाँ पर मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है जो मैंने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं ना सुनी भी नहीं है, तो वो नए फोबिया मेरे ऐड हुए हैं। कुछ कुछ ऐसे जानवर, कुछ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जो मैंने लाइफ में ना सुने हैं ना देखे हैं, वो जब आपके हाथ में रखते हैं ना तो आपको समझ नहीं आता कि ये है क्या। तो वो फोबिया चालू हुआ। देन आई हैड अ फोबिया ऑफ कोल्ड वेदर, आई हैड अ फोबिया ऑफ कोल्ड वाटर ऑल्सो, कि ठंडा पानी में यार ये लोग डालने वाले, बहुत ठंड हो रही है, 2 डिग्री हो रखा है, क्या करेंगे। सो वो छोटे मोटे फोबिया हमारे ऐड हुए वहाँ जाके। Alright. So, ऐसा कोई स्टंट रहा जिसने आपको बहुत ज़्यादा डराया, like, मतलब आप अंदर से हिल गए एकदम से? आई वोंट से कि ऐसा कोई स्टंट था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था, पर ऐसे एक दो चीज़ें थी जहाँ पर आई वॉजन वेरी कम्फर्टेबल, आई वॉजन वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट डूइंग इट, क्योंकि बाहर की कंडीशंस ऐसी होती है, प्लस आपका माइंड क्या गेम्स खेलता है आपसे। अगर आप आज एक चीज़ कर पा रहे हो तो शायद आप कल वो चीज़ सेम चीज़ ना कर पाओ, बिकॉज आपका माइंड वैसे गेम खेल जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, लाइक कंट्रोलिंग योर माइंड, टेकिंग चार्ज ऑफ योर माइंड। एंड कभी कभी होता था कि आपका माइंड आपका साथ नहीं देता था, तो वहाँ पर फिर गलतियाँ होती थी एंड वहाँ पर मैं डरता था। दिव्या ने हमें बताया कि आप जाने से पहले काफ़ी सारा कुछ ट्राई करके गए थे, रस्सी वगैरह, कुछ काम आया? मैंने जाने के पहले 40 डेज सिर्फ रोप क्लाइंबिंग की थी ताकि मेरा इंड्योरेंस बढ़ सके, ताकि आई कैन होल्ड माई सेल्फ, होल्ड माई बॉडी वेट। आई थिंक वो चीज़ काफ़ी काम आई मुझे एंड जस्ट द फैक्ट कि मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत एक्टिव है। मैं काफ़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ करता हूँ, मैं MMA करता हूँ, बॉक्सिंग करता हूँ, बास्केटबॉल, ट्रैक एंड फील्ड, काफ़ी कुछ करता हूँ। तो बिकॉज मैं इतना एक्टिव था तो मुझे थकान नहीं होती थी, मुझे कोई चीज़ ऐसी लगती नहीं थी कि इम्पॉसिबल है। आई हैव टू फील कि मुश्किल है पर हो सकता है, फिजिकली पॉसिबल है। तो फिर आई वॉज ग्लैड कि मैंने वो सब ट्रेन किया पहले। सबसे ज्यादा जो एक एक्सपेक्टेशन आप ले गए थे, दोस्तों ने जो भी बोला, इनफैक्ट आप खुद भी पहले स्टंट्स कर चुके हैं, तो जाने के बाद जो एक्सपेक्टेशन ले गए थे वैसा ही था या कितना डिफरेंट रहा?
आई फील जैसे मैंने पहले बोला कि ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रियलिटी शोज बन चुका है करने के बाद, पर मैं ये भी कहूँगा कि मैंने पिछले जितने रियलिटी शोज करे हैं, दिस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो हैज बीन द बेस्ट. सो आई थिंक आई हैव सरपास्ड माय एक्सपेक्टेशंस इन द शो. व्हाट डिड यू मिस द मोस्ट? आई मिस माय एंटायर फैमिली एंड दैट इंक्लूड्स दिव्या ऑब्वियसली. आई मिस माय एंटायर फैमिली बिकॉज एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स माय एमटीवी फैमिली बिकॉज मैं वहाँ से आया था और मैं 5 साल वहाँ काम कर चुका था. उसके बाद मैं एक नए चैनल पे आ रहा था, नया प्रोडक्शन हाउस था. इवन इफ लाइक दे मेड मी फील लाइक होम, दे दिस इज माय न्यू फैमिली नाउ, लाइक आई मेड न्यू फ्रेंड्स, बट मुझे पुराने वाले भी याद आ रहे थे. सो कलर्स के साथ एक नया रिश्ता बन गया है आपका. सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? शुड वी एक्सपेक्ट बिग बॉस फ्रॉम यू? क्योंकि आपको शायद ऑफर भी हुआ है, दिव्यांका को भी, आप दोनों का ऐसा कपल भी हुआ है ऑफर. मैं बिग बॉस नहीं कर रहा हूँ, मुझसे वो शो नहीं होगा. एंड नॉट बिकॉज कि मैं एक और रियलिटी शो नहीं करना चाहता, मुझसे वो शो होगा ही नहीं. आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि खतरो इवेंचुअली मैं करूँगा लाइफ में, तो हो जाएगा. बट बिग बॉस इज दैट वन शो जो मेंटली इतना ड्रिलिंग है कि आई डोंट थिंक आई कैन सर्वाइव इट. सो मैं तो नहीं कर रहा बिग बॉस. सो वापस आने के बाद दिव्या ने क्या कुछ कहा, लाइक व्हाट वाज हर फर्स्ट रिएक्शन? हर फर्स्ट रिएक्शन वाज यू नो व्हाट, स्टे होम, अभी 7 दिन घर पे रुको और चिल करो लाइफ में, बिकॉज तुम इतना कुछ करके आ चुके हो. आई वाज टेलिंग अ स्टोरीज कि यहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर वो हुआ, यहाँ पे ये ब्लास्ट, वहाँ ये ब्लास्ट, चॉपर आया, ये वो, चीता आ गया, हाइना आ गया. उतनी थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ लाइफ में, अभी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है. जस्ट स्टे होम, वॉच टीवी, प्ले योर वीडियो गेम्स, ईट वेल, एंड दैट्स इट. चिल करो लाइफ में. आई वाज लाइक हाँ, आई नीड दैट नाउ. मैंने इतना क्रेजी कर लिया कि अभी मुझे थोड़ा काम रहना पड़ेगा. सबसे बेस्ट सिखलाई क्या लेकर आए हो आप वहाँ से? जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लर्न करी है वो है कि एवरी सिचुएशन कैन बी टैकल्ड इफ यू आर जस्ट काम एंड इफ यू यूज योर माइंड. क्योंकि पहले क्या होता था कि मैं जितने स्टंट्स करता था, जितने टास्क करता था, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे करता था, पावर लगा के करता था. यहाँ पर मैंने वही ट्राई किया और जब वो फेल हो गया एक बार, तो मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ पावर की गेम नहीं है, यू हैव टू यूज़ योर माइंड. और जहाँ मैंने अपना दिमाग चलाना चालू किया हर स्टंट पे कि इसको मैं ऐसे करूँगा, इसको थोड़े अलग वे में करूँगा, वहाँ मेरे लिए स्टंट्स भी ईजी होते गए. सो मैंने ये चीज़ सीखी कि एनी थिंग इन द वर्ल्ड इज़ पॉसिबल अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे एंड काम भी सोचोगे. तो हमने आपकी कई सारी तस्वीरें देखी, काफ़ी सारे आपने दोस्त भी बनाए. हाउ वाज इट, लाइक दोस्ती यारी के बारे में कुछ बताइए. तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत कम दोस्त बनाता है और मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूँ. लाइक मैं शायद ही मैं कभी दिखूंगा पैप होते हुए कहीं पर, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे फ़ोन करके बुला लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर फोटो खींच लो आके हमारी. मैं करता ही नहीं हूँ. मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंसान हूँ. मैं जहाँ जाता हूँ मैं किसी को बताता नहीं हूँ. मेरे वही 4-5 दोस्त हैं लाइफ में और आज भी वही चल रहे हैं. पर 5 साल बाद मैं एक ऐसे सेट ऑफ लोगों को मिला जो इतने अच्छे थे, इतने वार्म थे, इतने वेलकमिंग थे, दैट I felt that I can give in. And उन लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा. तो दिव्या भी एक्चुअली काफ़ी सरप्राइज थी कि मैं बाहर जाके नए दोस्त बना के आया हूँ पहली बार. सो आई वॉज रियली ग्लैड कि ये जर्नी मैं आया एंड ये 13 लोग जितने भी थे हम सब इतनी अच्छे से बॉन्ड हो पाए. Alright, so आगे क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके सारे फैंस और व्यूअर्स? एक्सपेक्ट ये करो कि शो तो बहुत सही जाने वाला है एंड सब इन्जॉय करने वाले हैं. सबकी जर्नी अप्रिशिएट करो. पहली तो हमने बहुत मेहनत से शो बनाया. एक पैंडमिक में शूट करना, सब प्रोटोकॉल्स को दिमाग में रख के, सबकी सेफ्टी दिमाग में रख के, सब लोग सेफली वापस आए हैं. तो प्यार देना एंड दुनिया में बहुत नफरत हो गई है, अभी थोड़ा प्यार बांटो और सब ये जो नहीं इन्जॉय करो. वरुण, एक्टिंग के बारे में क्या कुछ है? तो लॉकडाउन के पहले मेरा एक एक्टिंग वर्कशॉप चल रही थी मेरी. मैं एक वेब सीरीज करने वाला था पर फिर लॉकडाउन हो गया, फिर एवरीथिंग गॉट शट. फिर उसके बाद खतरो आ गया तो मैंने खतरों कर लिया. तो विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स समथिंग एल्स कमिंग अप. सो यू एंजॉय इट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.